हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत में पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे लगभग मैंने 50 पर्यायवाची महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको लिए हैं। तो यहाँ देखते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्दों को। एक बार आपका सिलेबस भी साथ में देख लेते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस है। यहाँ से देखिए, ऊपर के ये जो टॉपिक हमने कम्प्लीट कर लिए हैं, और यहाँ जो देखिए, यहाँ से हमारा जो कम्प्लीट हो रहा है, ये हमारा लगभग ये वाला टॉपिक पूरा कम्प्लीट है। और यहाँ पे हम देखें तो हमने कहा था कि स्वर और व्यंजन को हम इस टॉपिक के साथ कम्प्लीट कर लेंगे। और अभी जो हम देखने वाले हैं वो पर्यायवाची देखने वाले हैं। यहाँ से हम सर्किल बनाते चलेंगे उन टॉपिक्स पे जो हमने कम्प्लीट कर लिए हैं, ताकि ये क्लियर होता चले कि हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने इस पे सर्किल लगा दिया, इसको हम कम्प्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं पर्यायवाची शब्दों को। देखिए, पर्यायवाची शब्द हैं क्या? पर्यायवाची शब्द होता है जब आप एक चीज बोले, नाम चीज तो आपके सामने एक हो, बट उसके कई नाम हो, उसको कई नामों से पुकारा जाए। जैसे हम आम कह लें, जैसे यहाँ पे एक पल के देख सकते हैं कि देवता लिखा है। अगर हम देवता कहते तो आपके दिमाग में देवता की छवि बनती है। तो देवता में हम अमर कहें तो भी देव के लिए शब्द बनेगा, निर्जर कहें तो भी आपके दिमाग में देवता शब्द की छवि बनेगी, और देवमिश भी देवता होगा, असुरमिश सुर, आदित्यमिश भी देवता। कहने का तात्पर्य कि आप कई नाम लेंगे, लेकिन वो जाएगा किसके लिए? किस एक चीज के लिए ही वो संबोधित होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो को। देखिए, यहाँ पे सारे पर्यायवाची शब्दों को तो नहीं पढ़ूंगी, बट जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बताऊंगी, उनको तोड़कर भी बताऊंगी। और साथ में ये है कि आप वीडियो को रोककर इन पर्यायवाची शब्दों को एक बार देखिए। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे कि कोई भी वीडियो होती है, देखिए ट्रिक क्या है। अक्सर कहते हैं मैम ट्रिक बताइए याद करने के लिए, ट्रिक कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस तरह से आप बीज को मिट्टी में डालते हैं तो 4 दिन बाद वो अंकुरित होता है, तब उसमें से एक पौधा निकलता है। उसी तरह से आप इन वीडियोस को, सिर्फ मेरी ही नहीं, किसी की भी वीडियोस को देखिए, चाहे कोई भी बुक पढ़िए, कम से कम आप उसे 4 बार पढ़िए, बहुत समय अंतराल पर। और 4 बार के बाद देखेंगे कि आपके दिमाग से एक ट्रिक उपज रही है। क्या चीज? जो आप चीज पढ़ रहे हैं उसको आपका दिमाग एक ट्रिक के रूप में उपजा रहा है। तो वही ट्रिक है, जो आपका दिमाग उपजाए वो ट्रिक है, दूसरे के दिमाग में उपजे हुए ट्रिक को पढ़ना बेवकूफी है। तो आप इसी चीज को 4 बार पढ़िए, और आपके दिमाग में जो ट्रिक निकल रही है उसे निकालिए, दूसरे की ट्रिक पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है, आइए हम इसने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं देवता का हम देख चुके, असुर। असुर राक्षस के लिए जानते ही होंगे आप, दैत्य, दनुज, द्रुंतदारी, दानव, राक्षस। उसी तरह से ब्रह्मा, ब्रह्मा का हम देखे तो आत्मभू, सुरज्येष्ठ, पितामह, हिरण गर्भ। देखिए, संस्कृत के शब्द ऐसे हैं, अगर हर शब्द को तोड़ें तो आप हर शब्द के अंदर घुस जाएंगे, और जितना आप गूढ़ जाकर पढ़ेंगे उतना ही वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हर शब्द को तो तोड़ूंगी नहीं, बट हाँ आपको बताऊंगी, अगर आपको मिल सकती है, आपके साथ में कोई है जो संस्कृत पढ़ रहा, तो उससे एक बार हेल्प जरूर लीजिएगा। शब्दों को तोड़ने में आपको काफी अच्छा लगेगा और पढ़ने में जल्दी याद होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे मैंने निशान लगा दिए, आप उन्हें जरूर याद कीजिएगा। कामदेव, कामदेव का देखे तो मदन, मनमथा, मारा, प्रद्युम्न और कंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कामदेव से अक्सर प्रश्न उठते हैं। लक्ष्मी का पद्मलया, पद्मा, श्री, हरिप्रिया। ठीक है, इसी तरह से देख, गरुण का है शिव, पार्वती का है गणेश, का विनायक, गदाधिप, एक दंता, लंबोदर, गजानन। ये देखिए जो देवताओं के नाम है, मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है देवताओं की पूजा को लेकर, तो हमेशा कोई ना कोई गाने चलते रहे, तो उन गानों को अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत से पर्यायवाची देवताओं के वहीं से मिल जाएंगे। गानों को ध्यान, क्योंकि तुकबंद लगाने के लिए वो ऐसे शब्दों को ढूंढते हैं जो तुकबंदी बने, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देवताओं के जो पर्याप्त नाम होते हैं वो सब आ जाते हैं। अमृत देखिए, अमृत पीयूषम, सुधा, अमीय, अमृत के पर्यायवाची है। अग्नि, वैश्वानर, वहिन, धनंजय, जात, वेहा, पावक इसके। और वायु का देखिए, गंधवाहक, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मैंने उस पर टिक लगाए हैं आपको बताने के लिए। गंधवाहक, गंध मिस होता है महक, तो गंध को जो बहा ले जाए वाह, उसे हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। अग्नि, समीर, मारुतो, समीकरण। और एक बात, संस्कृत जो लोग हिंदी जानते हैं पर्यायवाची, उनके लिए संस्कृत भी काफी इजी हो। अग्नि, वायु का देखिए, गंधवाह का आकाश, व्योम, पुष्कर, अंबर, गगन, अनंत, मेघ का आ गया चंद्रमा, सूर्य, किरण का। और देखिए यहाँ पे दिवस जो इम्पोर्टेंट है, दिवस का है धस्त्र, दिनम, अहम, वासर, ये दिन का हो गया। फिर रात का है सरस्वती, साप, सर्प, भुजंग, अहि, विषधर, चक्री, व्याल। समुद्र का सिंधु, परारा,
रत्नाकर सागर पानी का है वारी सलील जलम पे जीवक उदय तोय। मछली का देखिए झस मीन, मीन बहुत ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछता है मीन, मीन किसका है, मीन और झस किसके पर्यायवाची है, मछली के हैं। एक आता है आपका अंडज, देखिए अंडज में तो यहाँ पर्यायवाची मछली का होगा, लेकिन अंडज का जो शाब्दिक अर्थ हम देखते तो निकलता है जो अंडे से उत्पन्न हो, अंडे से उत्पन्न होने वाले सब अंडज कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संस्कृत में अंडज शब्द प्रयोग किया गया है वो मात्र मछली के लिए किया गया है। गंगा विष्णुपदी जन्हू तनिया भगीरथी त्रिपथगा, गंगा की यमुना की कालिंदी सूर्य तना समन सवा और यमी, यमी की बहन के कारण इसे समन सोया भी कहा जाता है और यमी भी कहा जाता है। कलम का देखिए सरसी रूह, सरसी रूह में जो सरस में होता है आपके जल तालाब के लिए और रूह उत्पन्न होने वाला, तो जो तालाब में उत्पन्न हो कौन है, वो कमल है। अक्षी नेत्रम नेत्रम लोचम दृगो, फिर आता है आम्र, आम्र का देखिए पिक बंधु और आकाश, ध्यान दीजिएगा पिक बंधु, पिक मिस होता है कोयल, बंधु मिस दोस्त, यानी कि पिक का बंधु हो और क्या है आकाश, किसके हैं वो आम्र के हैं। फिर आगे आपका आ जाता है अरण्य, अरण्य मिस होता है जंगल के लिए, विपिन कानन गहन, गहन जब हम आप जंगल में अगर जाएं बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो हमेशा यही वर्ड आता है कि बहुत गहन है, गहन मिस गहरा है, जंगल का जो घनापन है उसके लिए होता है, तो गहन मिस होता है आपका वन, वनम अश्व का तरुण बाज सैंधव रवि पुत्र, क्योंकि रवि के समान वो दौड़ता है इसलिए उसे रवि पुत्र भी कहा जाता है। कामदेव का देखिए आपने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पर भी लेकिन दोनों में अलग अलग हैं। मदन रतिपति मनसिज अनंग किसके हैं कामदेव के पर्यायवाची। आगे देखिए गृहम इम्पोर्टेंट है, गृहम सदनम भवनम आलय निकेतनम गृह के हैं, धनुष का है धनु को दंड चाप सरासर सर यानी कि तीर आसन है, तीर का जो आसन होता है उसे सरासन है यानी कि धनुष। पक्षी खग द्विज बिहंग, देखिए द्विज शब्द ब्राह्मणों के लिए भी प्रयोग होता है और यहाँ पे पक्षी के लिए भी आया, ध्यान दीजिएगा। पर्वत गिरी सैलम भूधर पुत्री प्रकाश भ्रमर वृक्ष वनम, देखिए यहाँ पे वनम भी आपका इम्पोर्टेंट है, आ जाता है काननम अरण्यम विपिनम गहनम, अभी जो आपने पीछे देखा वन का वही है यहाँ पे। हिरण का देखिए सिंह का मृगेंद्र, मृगेंद्र बहुत ही ज्यादा आपको भ्रम में डाल देता है, मृग मिस होता है वन, वन गेंद्र गौ शब्द यहाँ पे आया है गमन, जो वन में गमन करता हो, वन में गमन करता हो, वन में कौन सभी प्राणी गमन करते हैं, लेकिन जो वन में गमन करता हो उसमें इंद्र राजा तो कौन है वो सिंह है, मृगेंद्र यानी कि वन में गमन करने वाले का राजा कौन सिंह। केसरी पंचानन हरिण में भी देखिए मृग आया है, मृग मिस हरिण सारंग, मृग मिस होगा आपका सिर्फ मृग भर हम कहे तो मृग मिस होगा वन और मृग मिस आपका आता है हिरण। सारंग कृष्ण सार चमर और फिर आपका हंस का आ गया मराल काल मान सौकस, किसके हैं ये आपके हंस के पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका संस्कृत का पर्यायवाची टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक बार दो बार तीन बार कम से कम तीन बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में वो फीड हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।